कार मैं हूं अभय शर्मा अ स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड अ एंडियर ऑफ द इंस्पायर जेनजी इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू तवी एक्सप्रेस उमरान मलिक उमरान आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू उमरान टी में मैच देखने जाना ये बहुत बड़ी बात है पोस्ट टिकट को भी काफी देर तक संभाल के रखता है इंडियन टीम के लिए डेब्यू करना आप कैसे देखते हैं अपनी जर्नी को सबसे पहले तो जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी मेहनत रंग लाई तो मैं दो तक मैं टेनिस बॉल खेलता था मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं आई पी एल भी खेलूंगा और इंडिया भी खेलूंगा जब ऊपर वाला दे तो कुछ कुछ कोई रोक नहीं सकता तो मैं बहुत मेहनत करता था सुबह जिम करता था शाम को नेट प्रैक्टिस करता था फिर जब मैचेस होते थे मैचेस खेलता था तो मैं सबसे फर्स्ट टाइम मैं आई में नेट बॉलर गया नेट बॉलर गया तो फर्स्ट तब फर्स्ट ऑफ़ बंद हो गया था कोविड की वजह से तो मैं बॉल बहुत अच्छा डाल रहा था तो सेकेंड ऑफ़ में तीन एट्रजन इंजर्ड हुआ तो मुझे मौका मिल गया तो फिर मैंने अच्छा किया वहाँ पे तीन मैच में फिर मैं वर्ल्ड कप में नेट बॉलर था फिर बहुत अच्छा लगा जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा वहाँ से फिर इस साल मैंने फोर्टीन मैच में ट्वेंटी टू विकेट लिया और अमेजिंग प्लेयर आया अलहदल्ला तो शुक्र है ऊपर वाले का और फिर मैं इंडिया की तरफ से खेला सबसे प्राउड फीलिंग है मेरे लिए मैं इंडिया के लिए खेला मेरा ड्रीम है वो इंडिया के लिए खेलना और ड्रीम पूरा हुआ मेरा आपने बताया पहले टेनिस बॉल खेलते थे टेनिस बॉल से लेदर बॉल का जो ट्रांजेक्शन है कितनी मुश्किल हुई उसमें टेनिस बॉल से और लेदर बॉल से बहुत फ़र्क है टेनिस बॉल बहुत हल्का होता है और लेदर बॉल बहुत भारी होता है लेदर बॉल नया हो तो स्विंग होता है इधर उधर जाता है उससे कंट्रोल लाना बहुत मुश्किल होता है आपको उसमें कंट्रोल एक जगह में एरिया में डालने पड़ता है डालने पड़ता है उससे एरिया में बहुत मुश्किल से आता है तो उसी पे काम चल रहा था और शुक्र है ऊपर वाले का अच्छा बॉल गिर रहा था मेरा 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालना कोई आम बात नहीं है और रेगुलरली बॉल डालना उसके लिए आपकी फिटनेस और डाइट दोनों ही ऑन पॉइंट होनी चाहिए जब धोनी न्यू न्यू आए थे तो उनके लिए कहते थे कि धोनी एक दिन में पाँच लीटर दूध पीते हैं या फिर विराट के लिए कहते हैं कि वो दो घंटे जिम करते हैं काप्स काफ़ी कम इनटेक है उनका तो वैसे ही उमरान मलिक की फिटनेस का क्या राज है जैसे कि आपने बोला कि 150 डालना बॉल तो मैं तेज़ ही डालता था स्टार्टिंग से और फिटनेस की बात रही तो मैं सुबह जिम ट्रेनिंग करता हूँ और शाम में नेट प्रैक्टिस करता हूँ और डाइट अच्छी खाता हूँ और सोता अच्छा हूँ स्लीप क्योंकि जब आप सोते अच्छा हो तो बॉडी को रिकवरी अच्छी मिलती है तो इसलिए मैं नींद ज़्यादा करता हूँ कम से कम आठ नौ घंटे नींद चाहिए ही चाहिए मैं आठ नौ घंटे से भी ज़्यादा दस दस ग्यारह घंटे करता हूँ तो क्योंकि फिर सीधे उठ के जिम जाता हूँ फिर शाम को उधरी से प्रैक्टिस डाइट आपकी वेज या नॉन डाइट नॉन क्योंकि आजकल ट्रेंड है काफ़ी वीगन वगैरह का तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार जो नॉन वेज है नेचुरल प्रोटीन है वही लेता हूँ मैं आई पी एल के दौरान हर्षा भोगली ने एक ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था जितने भी टैलेंट स्काउट्स हैं उन सबको जम्मू जाना चाहिए वहाँ पे हमें और उमरान मलिक देखने को मिलेंगे आप कैसे देखते हैं जम्मू के क्रिकेटिंग टैलेंट को और यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और टैलेंट की आप बात कर रहे हो तो टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है अगर कोई देखने वाला और निकालने वाला हो तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है और आज की मैं यंग यूथ को यही बोलूंगा कि जैसे कि आज लड़के ड्रग्स में जा रहे हैं वैसा मत करो इतना अच्छा सब अच्छा अच्छा मिलते जाएगा आपको बस मेहनत करते रहो प्रैक्टिस करते रहो कोई क्रिकेट नहीं कोई भी गेम है हर एक गेम में आप अपना 100 परसेंट दो ऊपर वाला कभी आपकी मेहनत जाए नहीं जाने देगा रंग लाएगा हमेशा आईपीएल में आजकल एक ट्रेंड है एमएस धोनी पूरा सर्कल बना के जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबसे इंटरेक्ट करते हैं आपकी एम धोनी का कैसी इक्वेशन है और जब पहला इंटरेक्शन जब हुआ आपका एम धोनी के साथ तो क्या बात हुई सबसे पहले मैं माही भाई से मिला ट्वेंटी ट्वेंटी वन में तब मैं दुबई में मिला था मैं वर्ल्ड कप में नेट बॉलर था तो माही भाई से यही बात मैं नेट बॉलिंग कर रहा था तो माही भाई अंपायर खड़े थे तो मैं विराट भाई को बॉल डाल रहा था तो मैंने दो तीन बॉल अच्छे डाले तो माही भाई खड़े थे तो माही भाई मुझे बोल रहे थे कि अच्छा डाल रहा अच्छा डालते रहे अच्छा डाल जैसे डालता डालते रहे फिर वो तीन चार पाँच छः दिन मेरे से बात करते रहे रेगुलरली रेगुलरली जब मेरे से बात करते रहे तो मेरे में भी बूस्ट आ गया कि इतना बड़ा लेजेंड मेरे से बात कर रहा है तो फिर उसके बाद मैं डोमेस्टिक में वापस आया था खेलने उसके बाद हमारा डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा था तो फिर मैं डोमेस्टिक खेला था फिर अब इस साल आई खेला फोर्टीन मैच कॉन्फिडेंस था पूरा के सारे मैच खेल रहे फोर्टीन मैच खेला ट्वेंटी टू विकेट थे और एमर्जिंग प्लेयर आया शुक्र है ऊपर वाले का और बस अपने से यही था कि बस मुझे फ्रेंचाइजी ने सपोर्ट किया कि अच्छा करना है तुझे अच्छा करना है उन्होंने मुझ पर विश्वास किया पूरा कोई प्लान तो नहीं है सी में स्विच करने का कर। <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में एक, एक फैमिली रोल प्ले करती है उतना इंपॉर्टेंट हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं आपकी लाइफ में कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपके अच्छा टाइम हुआ खराब टाइम आप हमेशा आपके साथ है आप उनको रात पे अगर एक दो बजे भी फोन करो तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं मेरे तीन चार ही फ्रेंड्स हैं वही मेरे साथ हैं हमेशा और वही रहते हैं चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे सुबह हो समद विवरान अतीब नवाज जिन जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं वही मेरे साथ रहते हैं आसिफ और रमान भी मेरे दोस्त हैं वही मेरे साथ रहते हैं हमेशा चाहे रात को तीन बज रहे हैं मैं उनको कॉल करूँगा वो उठाएंगे कभी भी समद तो मेरा फ्रेंड नहीं है वो भाइयों से भी ज़्यादा है मेरे साथ तो ऐसे हमारा कोई फ्रेंड्स वाला है नहीं हमारा तो भाइयों से भी ज्यादा तो गेड़ी रूट कौन सा है? गेडी रूट तो अभी कोई भी नहीं है जा भी नहीं सकते तो गाड़ियों का और बाइक्स का बहुत शौक होता है उमरान मल्ले की फेवरेट बाइक या ड्रीम कार और ड्रीम बाइक कौन सी है मेरे को गाड़ियों का इतना शौक नहीं है गाड़ी और बाइक का रू भी कौन पसंद है मगर मैं वो, वो मुझे इतनी भी पसंद नहीं है नॉर्मल पसंद है बस हैदराबादी बिरयानी या जम्मू के राजमा चावल <laughs> <laughs> जम्मू के राजमा चावल यार घर के या कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ के आप खाना पसंद करते हो? बाहर खाता नहीं रोटी ज़्यादा घर पे। ही टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर आखिरी बॉल आप बॉलिंग करवा रहे हो एक बॉल छः रन चाहिए बैट्समैन बाबर आजम कौन सी बॉल डालेंगे यॉर्कर या बाउंसर या कोई और जिसमें आपको हंड्रेड परसेंट यॉर्कर आपकी ड्रीम विकेट जिसकी आपने सोचा कि मतलब आईपीएल इंटरनेशनल जब मैं जाऊंगा तो या इसकी विकेट मैंने जरूर लेनी है मेरी ड्रीम विकेट है विराट भाई की वो इस साल मैच में हमारा मैच था उनसे वो पहले ही आउट हो गए तो. ट्राई किया था कि अगर आएंगे तो आउट करूंगा मगर चलो नेक्स्ट टाइम और मेरी ड्रीम विकेट सारी इतने बड़े लेवल पर खेलना आपके लिए एक एक विकेट इंपॉर्टेंट होती है हर एक आपकी ड्रीम विकेट ही होती है जैसे आप विकेट्स लेते हैं तो आपकी ड्रीम विकेट्स ही होती हैं सारी एक्शन के पीछे की स्टोरी क्या है ये डेल इंस्पायर्ड है या खुद का है पर? जब हम नेट प्रैक्टिस करते हैं तो डेल सर अंपायर ही अंपायर से थोड़ा पीछे खड़े होते हैं तो कुछ गलत हो रहा हो तो सर बता रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो जैसे मैं आउट करता हूँ नेट में तो वो भी एक्शन करते हैं मैं भी करता हूँ उधरी से वो चल ही जा रहा है फेवरेट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर अभी तक तो मैं जैसे खेला हूँ केन के अंडर मेरे को वो भी बहुत अच्छे लगे और मेरे को खेलना अच्छा लगेगा माही भाई या विराट भाई की केन के अंडर भी बहुत अच्छा लगा मैं कूल है बिल्कुल आपको अगर रन भी पड़ेंगे तो कुछ नहीं बोलता बैक करता है पूरा उधर से वो उसकी वो बहुत अच्छी चीज है वहाँ से बहुत अच्छा लगता है बॉलर को बैट्समैन हो बॉलर हो सबको एक जैसा देखता है बैक करता है वो तो अच्छा लगता है वहाँ से फेवरेट सोशल मीडिया है आप स्नैपचैट आपने लास्ट मूवी या कोई नेटफ्लिक्स सीरीज कौन सी देखी थी पुष्पा देखी थी उसके बाद कोई नहीं देखी झुकेगा नहीं झुकेगा नहीं अगर फ्यूचर में आपकी कभी कोई बायोपिक बने तो आप कौन से एक्टर को देखना चाहेंगे आपका रोल निभाते हुए सलमान खान का फैन था पहले से उसी को टफेस्ट <laughs> बैट्समैन यू एवर बोल टू आई में जहाँ भी इंटरनेशनल आई पी एल या कभी कभी गली क्रिकेट में भी एक बैट्समैन निकल जाता है आउट ही नहीं होता स्टेट में भी है एक दो प्लेयर आईपीएल में भी हैं ऐसे प्लेयर जो लगता है कि खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे मारेंगे भी नहीं और आउट भी नहीं होंगे दूसरे से मरवाते रहेंगे। so these were the rapid fire questions. अगर मैंने ये question नहीं पूछा तो कुछ ये ये जो interview है ये incomplete ही रह जाएगा। अभी तो आप ए, इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर हो क्या इमरान मलिक वर्ल्ड के भी फास्टेस्ट बॉलर बनेंगे जी जरूर बनेंगे भाई आपकी दुआ से थैंक यू भाई बिफोर वी कंक्लूड कोई मैसेज यूथ को फ्यूचर उमरान मलिक को कोई मैसेज मैं यंग यूथ को यही बोलूँगा आज के टाइम पे कि जैसे कि हमें ये नहीं सोचना कि हम छोटी स्टेट से हैं जैसे हम अच्छा करेंगे तो हमें सब देखते हैं कोई भी गेम हो क्रिकेट है जैसे हॉकी है वॉलीबॉल है कुछ भी है टेबल टेनिस हर एक गेम कबड्डी है कुछ भी आपको अपने से आप मेहनत करो अच्छे अपने कोचिज़ की इज्जत करो और आजकल जैसे कि सुनने को मिलता है इधर नशा इधर नशा ड्रग्स से दूर रहो आपको ड्रग्स से दूर रहना आज के टाइम पे और अच्छे इंसान्स के साथ रहना है जिनकी सोसाइटी अच्छी है और हमेशा आपको उन इंसान के साथ रहना चाहिए जो पॉजिटिव हो जो आपको पॉजिटिव रखे हमेशा आपके साथ पॉजिटिव इंसान हो तो आप आगे जा सकते हो नेगेटिव होगा तो हमेशा आप पीछे रहते हो पॉजिटिव इंसान हो तो आप रात को कभी मैच में रन भी पड़े कभी आपको क्रिकेट है चाहे कुछ भी मैच अच्छा नहीं जाए आप हारे हो तो आप उनके साथ रहोगे हमेशा बूस्ट करेगा आपको बस ये इतना ही है बाकी मेरी तरफ से यूथ को ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच इमरान फॉर बीइंग विद अस ऑल द बेस्ट फॉर द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप